आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज ग्रेटिट्यूड। जैसा मैंने पहले कहा कि ये तो मुझे सुन के ही बहुत अच्छा लगता होता है, और बाज़ुकात ये होता है कि हम शुक्रगुजार होते हैं लोगों के, क्योंकि लोग हमारी हेल्प करते हैं। इट इज रिलेटेड विद द प्रीवियस टॉपिक अल्ट्रुइज्म। लेकिन हम कहते नहीं हैं, पता नहीं क्या चीज आड़े आ जाती है, अना होती है, या कुछ और फैक्टर्स होते हैं कि हम किसी को शुक्रिया नहीं कहते, थैंकफुल नहीं होते। हम कहते हैं अच्छा उसने कर दिया तो क्या हुआ, इसका फर्ज बनता था। हालांकि यू शुड नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। किसी का किसी पे कोई फर्ज नहीं होता, इवन रिश्तेदारों का भी नहीं होता। कोई किसी के लिए कुछ भी करता है तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बल्कि हमारे हजूर तो कहा करते थे कि बीवी आपके लिए खाना पकाती है तो उसका शुक्रिया अदा करें, आपके घर के काम करती। इसी तरह मर्द कमा के लाता है तो औरत उसका शुक्रिया अदा कर सकती है, ऑफ एंड ऑन। इस तरह से नहीं डायरेक्टली कि भाई तुम कमा के लाते हो तुम्हारा बहुत शुक्रिया। देयर आर सेवरल वेज टू से इट के जब कोई मेहनत करके आता है तो उसका ख्याल कर लेना, ये भी एक तरह से शुक्रिया ही होता है। सो लेट्स सी फर्स्ट, व्हाट इज ग्रेटिट्यूड, इसको रिसर्चर्स कैसे बयान करते हैं। इट इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन कॉन्सेप्ट ग्रेशिया। बाज़ लोग ग्रेजिया कहते हैं, ग्रेशिया कहते हैं, तो ये तो प्रोनंसिएशन चुके हमारी उर्दू की नहीं है तो हमें इजाजत है हम इसको जैसे भी कह लें। इस वर्ड से मुझे याद आया, इसका मतलब थैंक यू भी है, ग्रेशियसनेस, काइंडनेस। और यूरोप में बहुत से मुल्कों में जब आप जाते हैं तो ग्रेजिया लोग एक दूसरे को कहते हैं व्हेन दे थिंक दैट द अदर पर्सन इज हेल्पफुल। तो मुझे इससे याद आ रहा है, एक दफा मैं एक छोटा सा ट्रिप ले गया था यूरोप का। छोटा सा इसलिए कह रही हूँ कि पूरे यूरोप का नहीं था, 6-7 मुल्क उसमें शामिल थे। तो हमारे साथ जो गाइड थी उसने हमें कुछ लफ्ज़ बताए। उसने कहा कि बाज़ मुल्कों में जब आप जाएंगे तो आप अंग्रेजी में कहेंगे तो उनको नहीं समझ आने वाली। ये अंग्रेजी हमारे मुल्क में ही इतनी पॉपुलर है, आप जर्मनी में जाएं, आप फ्रांस में जाएं, कोई अंग्रेजी बोलने पर तैयार नहीं है। समझते काफ़ी ज़्यादा हैं लोग लेकिन जवाब नहीं देते अंग्रेजी में। और इस तरीके से और भी मुल्क हैं जिनमें अंग्रेजी को कोई लिफ्ट नहीं करवाई जाती। बहरहाल उसने कहा कि भाई कुछ वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, जैसे कि अगर आप किसी को कहना चाहते हैं बाय बाय तो आपको क्या कहना चाहिए, शुक्रिया कहना चाहते हैं, हेलो कहना चाहते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए। सो वन वर्ड वॉज ग्रेजिया, दूसरे मुझे याद नहीं है बिकॉज इट वॉज लॉन्ग टाइम अगो। और उसमें शुरू शुरू में क्या होता था कि बड़ी मजाहिया बात होती थी कि जब मैंने किसी को शुक्रिया कहना होता था यानी ग्रेजिया कहना होता था तो मैं खुदा हाफिज कह देती थी, और जब खुदा हाफिज कहना होता था तो शुक्रिया कह देती थी। ये तो बहरहाल एक ऐसे फनी सी बात मुझे इस लफ्ज को देख कर याद आ गई। आगे चलते हैं कि इससे और क्या मुराद ली जाती है। इट इज डिफाइंड एज स्टेट ऑफ बींग एप्रिशिएटिव ऑफ ब्लेसिंग रिसीव। तो हाउ डू वी डिफाइन इट, that you are appreciative of the blessing that you are receiving from other people, generally other people, lekin from nature, from God, from several other objects in the environment. Aur kuch log bhi iske bare mein mukhtalif definitions batate hain, let's review them also. Gratitude emerges upon recognizing that one has obtained a positive outcome from someone who behaved in a way that was costly to him or her, valuable to the recipient and intentionally rendered. तो एक तो बात ये है कि जब हेल्प की जाती है किसी की तो उसमें ये इम्पोर्टेंट बात है कि जो हेल्प करने वाला है वो उसके लिए कॉस्टली थी। कॉस्टली से ये मुराद है कि उसको कुछ एफर्ट करनी पड़ी आपके लिए, उसका कोई फर्ज नहीं बनता था लेकिन उसने एफर्ट की और उसने अपनी मर्जी से ये आपकी हेल्प की है। लेकिन हेल्प वही होती है विच इज वैल्यूएबल टू द रेसिपिएंट। आप कह रहे हैं कि मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, लोग आपको कह रहे हैं नहीं नहीं आप जरूर ले लें, तो वो तो हेल्प नहीं है। हेल्प शुड बी वैल्यूएबल टू द रिसीविंग पर्सन बट इट मे बी कॉस्टली टू द पर्सन हु इज रेंडरिंग हेल्प विद हिज ओन इंटेंशन। और कुछ बात करते हैं ग्रेटिट्यूड के बारे में। It may be derived from a non-human action or event. Usually हम देखते हैं कि जैसे अभी मैंने डेफिनेशन भी बयान की कि यू आर रिसीविंग हेल्प फ्रॉम अ पर्सन,
तो आम फॉर्म तो यही है कि पीपल आर हेल्पिंग अस एंड वी आर थैंकफुल टू देम. सो प्रो सोशल बिहेवियर एंड ग्रेटिट्यूड आर वेरी मच इंटरलिंक्ड, क्योंकि कोई आपकी हेल्प करेगा तो आप शुक्रगुजार होंगे ना. लेकिन इट इज नॉट असेंशियल दैट इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड सम पर्सन. समटाइम द हेल्प कुड बी फ्रॉम अ सिचुएशन, फ्रॉम सम ऑब्जेक्ट, और सबसे बड़ी हेल्प फ्रॉम गॉड. जैसे कि ये देखा गया है कि अर्थक्वेक सर्वाइवर्स हैं, हरिकेन सर्वाइवर्स हैं, दे आर वेरी थैंकफुल, बट टू हूम? किसी एक खास शख्स के लिए भी हो सकते हैं जिसने उन्हें उस वक्त बचाया हो, उनकी मदद की हो, ये भी पॉसिबल है. लेकिन दे आर थैंकफुल टू नेचर. हमने जो अर्थक्वेक का सर्वे किया था, जो पाकिस्तान में अर्थक्वेक हुआ था, तो जो उसके सर्वाइवर्स के साथ बातचीत हुई, इंटरव्यूज हुए, उसमें मैनी पीपल वर थैंकफुल टू गॉड कि इससे ज्यादा तबाही उन पर नहीं आई. ये तो खैर एक मुस्लिम फेथ है ना कि हम प्रॉब्लम में भी खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, और इसलिए करते हैं कि प्रॉब्लम तो इससे बड़ी हो सकती थी और हमें उसमें बचत हो गई. जैसे आज सुबह मेरी काम वाली मुझे बता रही थी कि उसका बेटा जो था वो सीढ़ियों से गिर गया, स्कूल की सीढ़ियों से, क्योंकि उसका दूसरी मंजिल पर क्लासरूम था, और वहां से उसने बहुत हैवी, छोटा सा बच्चा छठी क्लास का, बहुत हैवी आजकल आपको पता है स्कूल बैग्स होते हैं, तो उसने बैग उठाया हुआ तो उसका पाँव बोझ की वजह से और जरा जल्दी में, रश भी बहुत था, स्लिप हो गया और वो सारी सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आया. उसकी टांग पे 6 टांके लगे, ब्लड भी निकला, लेकिन शी सेड दैट आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड, क्योंकि उसकी टांग भी टूट सकती थी. तो ग्रेटिट्यूड अगर करना हो तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, ना करना हो तो फिर आप शायद कभी भी थैंकफुल नहीं होते, although यू आर गिवन blessings एंड blessings फ्रॉम गॉड एंड फ्रॉम पीपल also. तो बात ये हो रही थी कि आप जनरली तो शुक्रगुजार होते हैं लोगों के, लेकिन सिचुएशन के भी हो सकते हैं. कई दफा किसी का मेडिकल ऑपरेशन होता है जो बड़ा स्वेयर होता है, और जरूरी नहीं कि उसमें बचने के चांसेस नहीं होते, लेकिन जब आप उसमें से निकलते हैं उस ऑपरेशन के बाद और आप हेल्थ इंप्रूव करना शुरू करते हैं, तब आप बड़े शुक्रगुजार होते हैं कि देखें अल्लाह मियां ने ये मेरे पे मुश्किल आई थी ये आसान कर दी, टाल दी. तो इस्लाम में वैसे एक चीज है, अगर आप गौर करें, कि हमें बड़ी अच्छी कोपिंग के मेथड्स मिल जाते हैं. दैट्स हाउ वी कोप विद डिफरेंट ट्रॉमास इन आवर लाइफ. सो हेल्प कुड बी टुवर्ड पीपल, टुवर्ड नेचर, टुवर्ड सेवरल अदर एलिमेंट्स. और देखते हैं इसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं और रिसर्चर्स हमें क्या बताते हैं. इट मे ऑल्सो बी बेनिफिट फाइंडिंग, यानी आपको किसी चीज में फायदा नजर आ जाता है तो आप फिर भी शुक्रगुजार हो जाते हैं. जरूरी नहीं है कि आप किसी ट्रॉमा से निकलें तो तब हों शुक्रगुजार. बेनिफिट जहां पे भी आपको मिल जाता है, यू कैन बी थैंकफुल. अनदर थिंग इज दैट इट इज अ प्राइज्ड ह्यूमन प्रोपेंसिटी इन ऑल रिलीजन्स एंड कल्चर. जिस तरह से मैंने आपको ये कहा था कि विजडम एंड करेज आर यूनिवर्सल वर्च्यू, सिमिलरली ग्रेटिट्यूड इज एक्सेप्टेड, एप्रिशिएटेड, एंड इट्स अ वैल्यूएबल ह्यूमन वर्च्यू एंड विच इज कंसिडर्ड यूनानिमसली द सेम इन ऑल कल्चर्स, और सारे रिलीजन इसको प्रमोट भी करते हैं. और थोड़ी सी बात करते हैं ग्रेटिट्यूड को कैसे रिसर्चर्स एक्सप्लेन करते हैं. मेडिवल स्कॉलर थॉमस एक्विनस sees it as a motivational force for human altruism. वो ये कहता है कि ये motivation बहुत जरूरी है altruism को कायम रखने के लिए, तभी तो लोग एक दूसरे की help करेंगे, because you are thankful to other people and then they realize that they have something, they have done something which is good. और जब उनको ये एहसास होगा कि this particular act is appreciated, it is good, it is accepted, appreciated in the public, so there is a greater chance that that person will be able to demonstrate that particular act more and more. So, is tarike se muashre mein jo hai wo bhalaiyan phailti hain. Aap gaur kare ki agar aap kisi ka shukriya ada na kare aur us shakhs ko agar ye laga ho ki usne out of the way ja ke aapki help ki hai, to phir kya hoga? Phir aainda se wo aapki help to nahi karega, lekin ho sakta hai wo dusron ki help karna bhi chhod de. वो कहे यहाँ तो कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता. और मैंने अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि करने का क्या फायदा,
फलां बंदे ने कौन सा इस चीज को एक्नॉलेज कर लेना है, फलां ने कौन सा मेरा एहसान मान लेना है. सो इट इज ह्यूमन नीड दैट देयर एफर्ट्स आर, व्हिच मे बी कॉस्टली टू देम, दैट देयर एफर्ट्स आर एक्सेप्टेड. एक्सपेक्टेड तो हमेशा नहीं होनी चाहिए, बट दे आर एक्सेप्टेड एंड अप्रिशिएटेड एंड वैल्यूड. तभी तो फिर उसकी प्रमोशन का चांस बढ़ता है. एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एंड दैट वॉज प्रेजेंटेड बाई थॉमस हॉब्स इन 1888. Ingratitude is the most horrible and unnatural of all crimes that humans are capable of committing. Yani he went so far that he said that if you are not in the state of gratitude, then you are committing a crime. Log aapki help kar rahe hain aur aap unka shukriya bhi ada nahi karte, to iska matlab ye hai ki isse aap ek crime aisa commit kar rahe hain jisse ह्यूमैनिटी को फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है. क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, ये एक साइकिल है जो शुरू होता है तो फिर चलता चला जाता है. अब एक और बात करते हैं, हाउ ग्रेटिट्यूड इज व्यूड इन इस्लाम. एक तो पहले मैंने बात की थी आपसे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते थे कि आप एक्नॉलेज करें दूसरों की मदद को, और फैमिली मेम्बर्स में भी फॉर ग्रांटेड ना लें कि ये मेरी मदर है तो इसका फर्ज बनता है कि ये रातों को जागे, बीमारी के दौरान मेरे सरहाने बैठी रहे. बीवी का फर्ज बनता है कि वो सारा दिन जो है वो किचन में घुसी रहे, आपकी और आपके दोस्तों की मेहमानदारी करे, आपके रिश्तेदारों की करे. बल्कि ये कहा जाता है कि बीवी का फर्ज नहीं बनता कि वो खाना पकाए, शौहर का फर्ज बनता है कि उसको खाना प्रोवाइड करे रेडीमेड फॉर्म में. मैंने तो ये भी मसला सुना है, लेकिन प्रेफरेबल ये है कि औरत ये काम करे. तो जब प्रेफरेबल है तो करना चाहिए, और फिर उसके बाद शुक्रिया एक दूसरे का अदा करना चाहिए. फैमिली में ये बहुत प्रॉब्लम होती है, हम आउटसाइडर्स का शुक्रिया तो अदा कर देते हैं लेकिन हम फैमिली मेंबर्स का नहीं करते, बिकॉज वी टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट दिस पर्सन हैज अ ड्यूटी टू डू दिस पर्टिकुलर एक्ट फॉर मी, और अगर वो नहीं करता तो वो तो बहुत बुरा शख्स है. तो इसी से लड़ाई झगड़े जो है वो ज्यादा स्टार्ट होते हैं. इस्लाम इसको कैसे देखता है ये स्लाइड पर देखिए. Gratitude or shukr for the abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue. देखिए कितनी बड़ी बात है जो प्रॉफिट मोहम्मद ने कही कि शुक्र अगर आप करेंगे अबंडेंस का जो आपकी जिंदगी में है, यानी जो नेमतें आपको मिली हुई हैं, तो वो नेमतें बढ़ जाएंगी. ये शुक्र जो है ये इस चीज की अकासी करता है, बल्कि ये इंश्योर करता है आपको कि आपकी अबंडेंस में इजाफा होगा. ये जो फरावानी है ब्लेसिंग्स की वो ज्यादा हो जाएंगी. और देखिए कि शुक्र करने पर कोई पैसे नहीं लगते, कोई बड़ी एफर्ट भी नहीं लगती. एक मिसाल देती हूँ आपको. हमारे खानदान में एक मौलवी साहब हैं, बहुत ही अच्छे बुजुर्ग हैं, बहुत ही पढ़े लिखे हैं, समझदार यानी वाइज भी हैं, सिर्फ पढ़े लिखे नहीं हैं, और उनसे बड़ी अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो सुनने को मिलती हैं. एक दफ़ा हमें ये पता चला कि उनकी टांग टूट गई, सीढ़ी से स्लिप हुए शायद और टांग टूट गई. तो जब हम घर गए उनके उनका हाल अहवाल पूछने के लिए, तो उनके प्लस्तर खूब ढेर सारा प्लस्तर चढ़ा हुआ था, और उन्होंने हज पे जाना था और हज में टाइम भी थोड़ा रह गया था, तो उनको ये थोड़ा सा था कि मतलब हज तक ठीक हो जाए, क्योंकि हज के पैसे वगैरह जमा करवाए हुए थे, मेंटली भी प्रिपेयर थे. तो उनको बड़ी एक तो होप थी, मैंने देखा वो कहते थे कि इंशाल्लाह मैं ठीक हो जाऊंगा हज से पहले, हालांकि कंडीशन खासी टांग की क्रिटिकल थी. और उनसे पूछा कि मौलवी साहब आपका क्या हाल है, उन्होंने कहा अल्लाह का शुक्र है. तो हमने कहा कि देखें बैठे बैठाए मुसीबत पड़ गई, जैसे हम लोग की तो आदत है कि हम कहीं जाते हैं तो हम तीमारदारी ऐसे ही करते हैं, देखें ये मुसीबत कहाँ से आ गई, अच्छे भले थे आप. तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह का कितना शुक्र है कि सिर्फ टांग टूटी. तो मुझे इतनी अच्छी ये बात लगी कि देखिए इस हालत में वो बंदा बैठा है, हम इस हालत में कितने चिड़चिड़े हो जाते हैं. वी आर अनॉयड विद आवर फैमिली मेंबर्स, वी आर अनॉयड विद इवन गॉड समटाइम, और हम ये कहते हैं कि भाई ये मुसीबत हमारे पे ही डालनी थी, दूसरा बंदे भले चंगे हैं, एक मैं ही मुसीबतों में गिरफ्तार हूँ. तो मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी, और मुझे कभी कभी याद आती है कि देखें उन्होंने कैसे वक्त में शुक्र किया, और बड़े शुक्रगुजार कहते हैं
एक ही चीज खराब है मेरी, इस वक्त एक ही चीज खराब है और वो है टांग। अल्लाह का कितना शुक्र है मेरे कान सलामत हैं, मेरी आंखें सलामत हैं और मैं खा पी रहा हूं भाई बैठा हुआ आराम से, मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो ये भी एक सूरत हाल हो सकती है कि जब ग्रेटिट्यूड किन किन हालात में भी इंसान एक्सपीरियंस कर सकता है, फील कर सकता है और उसको डिस्क्राइब कर सकता है। अब एक अगला सवाल, हाउ वी कैन कल्टिवेट ग्रेटिट्यूड। इसको कल्टिवेट भी तो करना चाहिए ना, मुआशरे में फैलाना चाहिए ग्रेटिट्यूड को, कैसे इसको बढ़ा सकते हैं ये देखते हैं। चार्ल्स डिकन्स वेरी फेमस राइटर इन 1897 स्टेटेड दैट रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रेजेंट ब्लेसिंग्स ऑफ विच एवरी मैन हैज मैनी, नॉट ऑन योर पास्ट मिसफॉर्च्यून्स ऑफ विच ऑल मैन हैव सम। तो निचोड़ क्या है बात का कि ब्लेसिंग हमारे पास बहुत सारी होती हैं, ये शुक्रिया अदा करने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हमारी मिसफॉर्च्यून्स कम होती हैं अगर आप देखें, लेकिन हम उनके बारे में ज्यादा सोचते हैं। ये ट्रू है कि पीपल वुड हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, वी कैन नॉट डिनाई दैट पीपल हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लेकिन अगर आप काउंट करने बैठे ना तो प्रॉब्लम्स तो थोड़ी होती हैं निस्बतन ब्लेसिंग्स के। और प्लीज हेल्थ को जरूर शामिल कीजिए ब्लेसिंग्स में, और रिश्तों को जरूर शामिल कीजिए ब्लेसिंग्स में जो हमें मिले हुए होते हैं, ढेरों ढेर मिले हुए होते हैं। और फिर देखिए कि मिसफॉर्च्यून्स ज्यादा हैं या ब्लेसिंग्स ज्यादा हैं। तो एक तरीका ये है कल्टीवेट करने का कि आप अपनी कॉग्निशंस को इम्प्रूव करें, आप जिस तरह से सोचते हैं सोच के अंदाज को चेंज करें। इसी सिलसिले में मुझे एक फिल्म याद आ रही है, उसमें वो एक दौलतमंद शख्स होता है जिसको बहुत सारी फतूहात, बहुत सारी सक्सेसेस और बहुत कुछ मिला हुआ होता है। तो वो हीरो से ये कहता है कि मेरे पास तो फलां चीज है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी जायदाद है, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, और तुम क्या चीज हो और तुम मेरे सामने अकड़ रहे हो, तुमने क्या है। और वो बंदा एक जवाब देता है जो मुझे अच्छा लगा था सुन के, उसने कहा मेरे पास माँ है। शायद आपने वो फिल्म भी देखी हो, वो तो एक कमर्शियल फिल्म थी और उसकी ऐसी कोई बात नहीं है कि उसका यहाँ पे रेफरेंस खास तौर पे दिया जाए, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि हर एक के पास कुछ ना कुछ जरूर होता है। वैसे तो बहुत कुछ होता है अगर हम ब्लेसिंग्स का दायरा वसी कर लें और सोच लें कि अगर वो ना हो तो क्या होगा। प्रॉब्लम ये है ब्लेसिंग्स के साथ कि जब वो होती हैं तो उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता और हमें उनकी कदरों कीमत का भी एहसास नहीं होता। जब वो नहीं होती फिर कदर का पता चलता है। देर आर टू पीपल हु हैव कंडक्टेड रिसर्च ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू, रॉबर्ट एमंस एंड माइकल मैकलॉ। दे डिवाइज वेराइटी ऑफ वेज टू बिकम मोर थैंकफुल। और वो वेराइटी ऑफ वेज कौन कौन से हैं? एक तो उन्होंने ये कहा है कि आप एक ग्रेटिट्यूड जर्नल बना लें। जिस तरह से स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि आप एक जर्नल बनाएं पढ़ाई के बारे में और उसमें फ्लां फ्लां एक्टिविटीज के बारे में लिखें, अपने एहसासात के बारे में उसमें कुछ डिस्क्राइब करें, तो जर्नल जो है वो कई तरह के बनाए जाते हैं। इसी तरीके से ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाएं और उसमें अपनी ब्लेसिंग्स को रजिस्टर करें। अब उन्होंने कहा, उसमें उन्होंने तीन स्टडीज की हैं, तीनों का जिक्र करते हैं, और उन्होंने और भी बहुत सी स्टडीज की हैं, लेकिन मैं तीन स्टडीज पर्टिकुलरली मेंशन कर रही हूँ और ग्रेटिट्यूड जर्नल के फवायद उसके साथ रिलेटेड कैसे हैं वो देखते हैं। स्लाइड देखिए, ये पहली स्टडी जो है इसमें ग्रेटिट्यूड जर्नल के एडवांटेजेस बताए गए हैं, और ये बात इम्पॉर्टेंट है कि ग्रेटिट्यूड जो है वो आपको अपने आप को भी फायदा देता है। ये दोनों रिसर्चर्स ये कहते हैं कि ये ना सोचिए ग्रेटिट्यूड का फायदा अगले बंदे को होगा जिसका आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ग्रेटिट्यूड हैज मल्टीपल बेनिफिट्स फॉर द पर्सन हु इज रेंडरिंग दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। उन्होंने ये कहा कि ऐसे लोगों के मुकाबले में जो अपनी डायरी लिखते हैं और उसमें अपने पॉजिटिव और नेगेटिव इवेंट्स लिखते हैं डेली, और आमतौर पे कई लोग जो हैं वो डायरी लिखते हैं जिसमें आज मेरे साथ क्या हुआ मैं लिख रही हूँ, वो कहती हैं उसके बरक्स जो ऐसे लोग जो डायरी में पॉजिटिव और नेगेटिव इवेंट्स नहीं लिखते थे बल्कि
ये लिखते थे कि आज उनके साथ किसने भलाई की और वो उसके शुक्र गुजार हैं। तो उन लोगों में क्या क्या खासियतें ज्यादा पाई गई, लेट्स सी दैट। दे वर मोर इन्वॉल्व इन अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज अंडरटेकन, सो दे वर डूइंग मोर एक्सरसाइज। अब इसका बाजार क्या लिख नजर आता है, आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और साथ आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, शायद ये है कि आपको मेंटल वरीज से थोड़ी निजात मिलती है। शुक्रिया अदा करना अदरवाइज इज वेरी थेरेप्यूटिक, ये आप अगली स्लाइड्स में भी देखेंगे, जिसकी वजह से आप और भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे। और फायदा क्या नजर आया, दे वर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द अपकमिंग वीक एंड दे वर फीलिंग बेटर अबाउट देयर लाइफ। तो ये पर्सनल एडवांटेजेस हैं जो शुक्रिया अदा करने वाले शख्स की जात को मिलते हैं। इट हैज नथिंग टू डू विद द पर्सन हुम यू आर बीइंग वेरी थैंकफुल। एक और स्टडी की बात करते हैं जो इन दोनों रिसर्चर्स ने की, सेकंड स्टडी। उसमें भी ये देखा गया कि दोस पीपल हु आर काउंटिंग देयर ब्लेसिंग्स एंड हु आर कीपिंग अ ग्रेटिट्यूड जर्नल, उनमें क्या क्या फायदे उनकी जात के लिए पैदा हुए। दे रिपोर्टेड ग्रेटर एंथुजियाज्म, अलर्टनेस एंड डिटर्मिनेशन। दे वर मोर लाइकली टू मेक प्रोग्रेस टूवर्ड इम्पॉर्टेंट गोल्स पर्टेनिंग टू देयर हेल्थ एंड दे हैड maintained good interpersonal relationships and they had better academic performance. अब देखिए कितने फवायद हैं, academic performance बेहतर हुई, लोगों के साथ relationship क्यों बेहतर हुआ इसके बारे में पहले बात की। जब आप किसी को शुक्रिया अदा करेंगे जो आपका छोटा सा भी कोई काम करते, तो that person will have positive feelings for you because your gratitude will generate those feelings. और उसके बाद आपके interpersonal जो रिलेशनशिप्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे। और उसके अलावा ऑप्टिमिज्म, बिकॉज दीज ऑल पॉजिटिव ट्रेट्स आर इन फैक्ट इंटर रिलेटेड, जैसे अल्ट्रुइज्म के साथ ताल्लुक बनता है एक ग्रेटिट्यूड के एटीट्यूड का। तो ये सारी चीजें जो हैं पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव बिहेवियर्स आर इंटर रिलेटेड। इफ यू आर इन्वॉल्व इन वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ एटीट्यूड विच इज शोइंग ग्रेटिट्यूड, तो उसके साथ साथ और पॉजिटिव ट्रेट्स जो हैं वो भी आप में पैदा होते चले जाएंगे। तीसरी स्टडी विच वॉज कंडक्टेड बाई एमंस एंड मैकलॉ वॉज कंडक्टेड इन 2003। इस स्टडी में क्या किया गया कि रिसर्च वॉज कंडक्टेड विद पीपल विद न्यूरोमस्कुलर कंडीशन, तो न्यूरोमस्कुलर कंडीशन थी, प्रॉब्लम्स थे, और उसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाया गया और कंट्रोल ग्रुप बनाया गया। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को कहा गया कि उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, जिन जिन लोगों का वो दिन में समझते हैं कि कोई कंट्रीब्यूशन है उनके लिए, उनका शुक्रिया लिखना है उस एक बुक में जिसको उन्होंने ग्रेटिट्यूड जर्नल का नाम दिया। और फिर ये देखा गया कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाज बेटर इन व्हाट, लेट्स सी दैट। दे वर मोर ऑप्टिमिस्टिक, दे हैड मोर एनर्जी, सो दे वर मोर एनर्जेटिक, दे वर मोर कनेक्टेड टू अदर्स एंड दे हैड रेस्टफुल स्लीप। आप ये देखिए कि दूसरे को शुक्रिया अदा करने से आपकी स्लीप इम्प्रूव होती है,